Ladies and gentlemen, assalamu alaikum. Your wellness trainer Nasir is here. As you all well know that मैं फिटनेस में हम पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक हेल्थ और वेलनेस के ऊपर भी बात करते हैं और स्पेशली अबाउट द पीपल ऑफ पाकिस्तान। मैं चूँकि जो इंडस्ट्री है इसके अंदर मैं जो चीज़ों को देख रहा हूँ वो इम्प्रूवमेंट डेवलपमेंट और स्पेशली ह्यूमन डेवलपमेंट को देखता हूँ समटाइम्स इन द ऑर्गेनाइजेशंस। और उसके अंदर जो सबसे बड़े ड्रॉबैक पाकिस्तानी नेशंस की है ना वो है मेंटेनेंस, लैक ऑफ मेंटेनेंस। आप किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, आप किसी होटल में चले जाएं, तो उसमें लैक ऑफ मेंटेनेंस है। अब लैक ऑफ मेंटेनेंस के अंदर जो चीज़ें आती हैं वो एक तो सर्विस क्वालिटी को हम इंश्योर नहीं कर रहे होते हैं। जो क्वालिटी ऑफ सर्विस किस चीज़ से आते हैं उसमें यह था कि आपके पास जो प्रोडक्ट है वो नीट एंड क्लीन हो और आपकी जो कस्टमर सर्विस का जो रिप्रेजेंटेटिव है या आपका टीम मेंबर है हु आर सर्विंग, वो उनकी एटीट्यूड टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन नहीं होता है। दे आर नॉट कस्टमर फोकस्ड। और तीसरा जो सबसे जैसा मैंने बता दिया कि जो मेजर इशू है कि क्लीनलीनेस मेंटेनेंस फ्री चीज़ नहीं है और हाइजीन फ्री नहीं है। और जो हमारी लैक ऑफ सर्विस है, जो सर्विस क्वालिटी के अंदर जो ह्यूमन एलिमेंट है ना, द ह्यूमन एलिमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। क्योंकि हम जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं हम अपने आप को कुछ समझ बैठते हैं टूवर्ड्स दी अदर जो हमसे सर्विस ले रहा होता है, तो हम अपना एटीट्यूड उसको शो कर रहे हैं। द वन हु पेज, द वन हु इन्वेस्ट। आप किसी घर की बात ले लें पाकिस्तान के अंदर, आपके रेंट रेंट पे कर रहे होते हैं, सो यू आर बाउंड टू दैट ओनर। वो अपने आप को गॉड समझता है, बिकॉज अदरवाइज देन इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दे विल ट्रीट यू लाइक अ गेस्ट, दे विल लिसन टू यू। इन हियर वी आर अबाउट टू पे एंड द सेम टाइम यू हैव टू लिसन टू द गाय टू होम वी आर पेइंग। सो ये एक बहुत बड़ा टर्मोइल है। सो इन द हॉली मंथ ऑफ रमादान आई वुड लाइक टू लेट द पीपल नो दैट रमदान इज नॉट ओनली टू स्टे भूखा, दिस इज ऑल अबाउट टू इम्प्लीमेंट थिंग्स। यस, इम्प्लीमेंट द गुड थिंग्स, इम्प्लीमेंट टूवर्ड्स डिवेलपमेंट, क्वालिटी, एजुकेशन। और फिर उसके बाद जो दूसरे लेवल पे जो बड़ा एक प्रॉब्लम है, दैट इज अनदर बिगेस्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, वो है करप्शन, डिसऑनेस्टी। वी आर नॉट वर्किंग, वी आर नॉट प्रोडक्टिव, वी आर पासिंग टाइम्स, वी आर इन द ब्लेम गेम कंपनी, वी ट्राइंग टू बी द बेस्ट इन फ्रंट ऑफ द मैनेजमेंट एंड ऑल दीज थिंग्स, बट वी आर नॉट इफेक्टिव, वी आर प्लीजिंग द पीपल। दैट्स नॉट, नो नो, दैट्स नॉट गुड फॉर द कंपनी, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। आई इट्स अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, यू जस्ट नेम इट, दैट इज हाउ वी आर गोइंग डाउन डे बाई डे। इट्स नॉट द इकोनॉमिक इशू, इट इज नॉट द अदर चैलेंजेस, इट्स ऑल अबाउट द पीपल। सो द पीपल ऑफ पाकिस्तान दे आर ट्राइंग टू गो अब्रॉड, बट दे आर नॉट ट्राइंग टू फिक्स थिंग्स इन हाउस। If your house is in order, you don't need to go to out of the country, because everywhere is the corruption, everywhere is the dishonesty, everywhere is no sense of direction, sense of belonging। आप अपने रोड्स को देखें, हर गली में देखें, everybody has cutted the roads। जिसने जिधर से पाइप लेके जा रहा है उसने उठना है, उसने खोदना है। आप अपनी ट्रांसपोर्टेशन को देखें, सोसाइटी के अंदर दे आर नॉट डिसिप्लिन्ड। यस, आप यू जस्ट गो एनी वेयर, एनी वेयर, आप गो टू एनी स्ट्रीट होटल्स, देर इज नो क्लीनलीनेस, देर इज नो स्टैंडर्ड, देर इज नो क्वालिटी। सो
फिर आप कि जो हमारे बड़े बड़े लोग हैं वो उनके फिर आगे जानने वाले होते हैं, वो उसके सिफारिश ये वो एंड ऑल दीज थिंग्स आर मेकिंग अस पुअर, द बेस्ट करप्टेड पार्ट ऑफ दिस कंट्री. सो वी हैव टू लुक इन टू इट. नो मैटर हम कितने नमाजें पढ़ रहे हैं, इट्स गुड टू प्रे ऑफर प्रे, बट एट द सेम टाइम इफ आई एम ऑफरिंग माई प्रेयर्स एंड आई एम नॉट मेकिंग माई लाइफ स्टाइल अकॉर्डिंग टू द कुरानिक डायरेक्शंस टीचिंग्स, सो ओनली सेइंग अल्लाह हू अकबर एवरी टाइम विल नॉट वर्क. इट विल नॉट वर्क. गॉड ऑल्सो हैज गिवन अस सम ड्यूटीज टू ओबे, टू फॉलो, टू एक्ट. सो अगर हम वो नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है. So, cheers guys, enjoy your time.